आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो आज के ज़माने में हर जगह इस्तेमाल हो रहा है और धीरे धीरे एकेडमिक्स में भी इसका इस्तेमाल शुरू हुआ है। क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे जब किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं या कोई बच्चा जब बहुत सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करता है तो धीरे धीरे करके उसका एक डेटाबेस इकट्ठा होता है कि मान लीजिए 1,000 बच्चों ने एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया तो उनका क्या रेस्पॉन्स था, कितनी देर में उस क्वेश्चन को किया और कितने बच्चों ने उस करेक्ट आंसर उसका दिया। तो जब नया मान लीजिए 1,001वां बच्चा उसको अटेम्प्ट करता है तो हम उन 1,000 बच्चों के डेटाबेस से उसको कंपेयर करते हैं कि विद रेस्पेक्ट टू दोज स्टूडेंट्स उसका रेस्पॉन्स कितनी देर में आया, तो वो एवरेज से कम देर में आया या उसको एवरेज से ज़्यादा देर लगी। टाइम लगाने के बावजूद उस बच्चे ने उस क्वेश्चन को करेक्ट किया या नहीं किया। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि डेटाबेस के अनुसार मशीन लर्निंग लगा करके उस बच्चे को बता सकते हैं कि तुमने इस पेपर में ज़्यादा देर लगाई या इस क्वेश्चन में ज़्यादा देर लगाई, तुम्हारी एक्यूरेसी का लेवल क्या था। मान लीजिए कोई बच्चा 10th क्लास में है, वो डिसाइड नहीं कर पा रहा उसको बायो लेनी है या मैथ्स लेनी है या उसका जो ओरिएंटेशन हो कॉमर्स की साइड ज़्यादा है, तो टेस्ट के बेसिस पर ये उसको बताया जा सकता है कि उसका ओरिएंटेशन ज़्यादा किस तरफ है। मान लीजिए उसने बायो का पेपर भी अटेम्प्ट किया और साइंस का भी अटेम्प्ट, मैथ्स का भी अटेम्प्ट किया, मैथ्स में उसका टाइम ज़्यादा लग गया या मान लीजिए मैथ्स में एक्यूरेसी कम है, बायो में देखा कि उसने कम टाइम में कर दिया और उसका कंपैरिजन हम उन बच्चों से करते हैं जिन्होंने पास्ट में मान लीजिए बायो ऑप्ट किया था। तो उसको हम ये सजेस्ट कर सकते हैं बेस्ड ऑन AI कि तुम्हारा ओरिएंटेशन इसमें ज़्यादा है। सपोज करो हम 11th के बच्चे की बात करें जो फिजिक्स पढ़ता है, फिजिक्स में लगभग 30 चैप्टर्स होते हैं, तो यदि 30 चैप्टर्स के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करता है, 2-4 महीने हमारे साथ रहता है या कोई एक टेस्ट देता है जिसमें वेरियस टॉपिक्स के क्वेश्चन है, तो अपन उस बच्चे को बता सकते हैं कि तुम्हारा इस टॉपिक में इंटरेस्ट ज़्यादा है, तुम्हारा इस टॉपिक में वीकनेस है, तुम्हें यहाँ पर इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। सो मशीन की मदद से कह सकते हो, डेटाबेस की मदद से कह सकते हो, हम उस बच्चे के बिहेवियर को, उस बच्चे के इंक्लिनेशन को, उस बच्चे के किसी पर्टिकुलर टॉपिक के प्रति एफिनिटी को, किसी पर्टिकुलर टॉपिक के प्रति रिपल्शन को जज कर सकते हैं। 5th क्लास के बच्चे को यदि हम इस तरह के टेस्ट दिलाते हैं और इस तरह की एनालिसिस रिपोर्ट उसको देते हैं तो एक तो उसका एक जो इनिशियल लेवल इंक्लिनेशन होता है विच इज़ एक्चुअली अनबायस्ड ऑफ एवरीथिंग। जो बच्चा नेसेंट है उस बच्चे को ना IIT पता है, ना मेडिकल पता है, ना उसको कॉमर्स पता है, तो उसका एक नेचुरल जो ईश्वर ने उसको दिया है किसी चीज़ के प्रति इंक्लिनेशन होगा। अब इस बच्चे को हम कुछ प्रैक्टिकल करवा सकते हैं, इस बच्चे को हम कुछ टेस्ट करवा सकते हैं, उस टेस्ट से एकदम जो नेस एकदम जो बेसिक आइडिया आएगा कि यार ये बायो की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड है, क्यूरियस ज़्यादा है साइंस के प्रति, मैथ्स जल्दी सॉल्व करता है, या इसका इंक्लिनेशन आर्टिस्टिक एक्टिविटीज़ की तरफ है, तो इन इस तरह के टेस्ट की मदद से हम उसको पूरा एक तरह से एनालिसिस दे सकते हैं कि यार तुम अगर तुम्हें मान लीजिए कि आर्टिस्टिक एक्टिविटीज़ में एक्सेल करना है तो तुम ये कर सकते हो, तुम्हें मान लीजिए साइंस में एक्सेल करना है तो तुम इन टॉपिक्स पे और फोकस करना चाहिए तुमको, या तुमको जो है मान लीजिए मैथ्स में कमज़ोरी है तो इस पर्टिकुलर टॉपिक में कमज़ोरी है, हम यहाँ तुम्हें इम्प्रूवमेंट सजेस्ट कर सकते हैं, तो वो पिन पॉइंट एरिया ढूंढा जा सकता है। इट इज़ जस्ट लाइक डायग्नोस्टिक टेस्ट। जैसे मान लीजिए किसी इंसान के शरीर में कोई बीमारी है, उसको पता नहीं चल पा रहा बीमारी क्या है, तो हम उसका ब्लड टेस्ट कराते हैं, एक्सरे कराते हैं, तो वहाँ से पता चलता है कि एग्जैक्टली दिक्कत यहाँ पर है। सिमिलरली ये एक आपको पिन पॉइंट आइडिया दे सकता है कि दिक्कत क्या है। AI बेस्ड हम लोग जब कोरोना काल शुरू हुआ था लास्ट ईयर मार्च के बाद, तो हमारा संस्थान सबसे पहला संस्थान था जिसने ऑनलाइन क्लासेस बच्चों की लाइव शुरू की थी। जूम प्लेटफॉर्म पे हम लोग यूज़ किया करते थे और हमारे सभी टीचर्स ने लाइव पढ़ाना शुरू किया था। उसी टाइम पर हम लोगों ने अपना एक प्लेटफॉर्म बनाया था जिस पे बच्चों का लाइव टेस्टिंग कराते थे, बच्चों का ऑनलाइन वो घर पे ही टेस्ट दिया करते थे, और उन सभी टेस्ट में AI बेस्ड हम लोगों ने लगा रखा था, जिससे क्या होता था कि एक बच्चा किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में कितना टाइम दे रहा है, कितने ऐसे क्वेश्चंस थे, हम आपको कैसे पता चलता है। नॉर्मली हम लोग टीचर्स बैठ के, वैसे अगर कोई कहे आपसे कि इजी मॉडरेट टफ क्वेश्चन कौन सा है, तो हम लोग ये सोचते हैं कि टीचर्स देख के सोचते हैं कि शायद ये आसान होगा, शायद ये टफ होगा, शायद ये मॉडरेट होगा, लेकिन AI बेस्ड में आप ये देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा से ज़्यादा आपके बच्चों के जो क्वेश्चन ज़्यादा सही हुआ, इसका मतलब वो क्वेश्चन थोड़ा इजियर साइड था, या फिर जिसको करने में बच्चों ने बहुत कम टाइम लिया और उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा आई तो वो इजी था, एक ऐसा क्वेश्चन जिसको ज़्यादा बच्चों ने सही नहीं किया लेकिन मतलब एवरेज बच्चे से भी जो टॉप का था उसने
सबने किया, मतलब मॉडरेट में डाल देंगे अपन उसको, और ऐसा जिनको सिर्फ टॉपर्स ही कर पाए उसको हम लोग टफ क्वेश्चंस में डाल देंगे, और या फिर ऐसे क्वेश्चंस जिसको टॉपर्स से भी नहीं हुए वो भी टफ में चले जाएंगे। तो वो पूरी मतलब लॉजिस्टिक लगा के इसमें चलता है पूरा काम। तो इसके थ्रू हम बच्चे को ये भी बता पाते हैं कि जैसे एक क्वेश्चन में आपने सपोज 3 मिनट लिया था, लेकिन एवरेज टाइम उस क्वेश्चन का बाकी सारे बच्चों का 2 मिनट आया, तो यानी आपको उस क्वेश्चन में उतना टाइम नहीं लगाना चाहिए था। कुछ ऐसे क्वेश्चन जो इजी थे लेकिन आपने अटैम्प्ट ही नहीं किए, जो कि ज़्यादा बच्चों ने उनमें स्कोर किया, आपको वो क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना चाहिए था, यानी आपका क्वेश्चंस का सिलेक्शन थोड़ा गड़बड़ है। तो इस तरीके से हम बच्चे को बताते हैं कि कैसे कैसे आपको क्वेश्चन अटैम्प्ट करना चाहिए, जो क्वेश्चन आपको आसान है वो पहले अटैम्प्ट करने चाहिए, जिन क्वेश्चंस को आपको ऐसा लगता है कि जो आपको थोड़ा फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं कर पाएंगे, थोड़ा टाइम देंगे तो कर पाएंगे, उन्हें बाद में करना चाहिए। तो ये कम्प्लीटली AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमको ये बता देती है कि बच्चे को किस तरीके से गाइड करना है। हम लोग सर इसको लास्ट ईयर अप्रैल से हम लोगों ने स्टार्ट किया है, और इसको हमारे बच्चों का फीडबैक बहुत शानदार है, बच्चों को इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा मिला। बच्चे इस चीज़ को बहुत क्रेडिट देते हैं कि सर अगर हम लोगों को ये पता नहीं चलता कि क्वेश्चन पेपर को कैसे अटैम्प्ट किया जाए, किस क्वेश्चन को कितना टाइम देना है, कौन से क्वेश्चन को छोड़ना है, तो शायद हम लोग उतने मार्क्स हम लोगों के नहीं आ पाते। ऑनलाइन स्टडी में सर ये था कि मोस्टली बच्चे जब ऑफलाइन टेस्ट दिया करते थे, तो ऑफलाइन टेस्ट में बच्चा कौन सा क्वेश्चन को कितना टाइम दे पा रहा है, या कितने बच्चों का वो सही हुआ, कितने बच्चों का वो गलत हुआ, कौन से क्वेश्चन टफ थे, कौन से इजी थे, इतने अच्छे से कैटेगराइजेशन नहीं हो पाता था। लेकिन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जब यूज़ किया और ऑनलाइन जब एजुकेशन चल रही थी, तब हम बच्चे के टाइम को बहुत अच्छे से मेज़र कर पाए कि किस क्वेश्चन में उसने टाइम कितना दिया, कौन से क्वेश्चन अटैम्प्ट किए। तो ऑनलाइन के टाइम पर अपन लोगों को बहुत हेल्प हुई इससे, और बच्चों को भी बहुत मदद मिली।